पहुंच रहा हूं, जिसकी मोहब्बत हम सबको यहां जमाए हुए हैं और हमें खींच ले आती है। एक ऐसा नाम सरजमीन बुल्ढाना के लिए, पूरी अदबी दुनिया कह रहा है, जहां जहां मुशायरे हो रहे हैं, उर्दू गजल सुनी समझी और बोली जा रही है, वहां वहां बुल्ढाना का अगर नाम निकलता है तो आली जनाब डॉक्टर गणेश गायकवाड़ का। वो इसलिए कि बाद शख्सियत यूं होती है कि जो शहरों शहरों करिया करिया कूचा कूचा पे भटक कर अदब को अपना खून लेकर अदब को बढ़ावा देती है, लेकिन मेरी नजर में उससे बेहतर शख्सियत वो होती है कि जो किसी दयार में अदब का चराग बनकर रोशन रहे और उस रोशनी में उस शहर के तमाम लोग अदब हासिल कर रहे हैं। सरजमीन बुल्ढाना के लिए एक ऐसा नाम आली जनाब आगाज बुल्ढानवी साहब का है। मैं सिर्फ एक चार मिसरों के साथ आज उनका जन्मदिन भी है, उनकी महफिल भी है, वो नौशा भी है, वो मुंतजमीन भी है, वो मेज़बान भी है, वो मेहमान भी है, लेकिन एक बात ये है दोस्त, तुम एक ऐसे आशिक हो जिसके ये सारे दीवाने मुंतजर हो। मैं सिर्फ इन चार मिसरों के साथ उनका इस्तकबाल करता हूँ कि आसिफ साहब, इतनी छोटी सी ये दुनिया है किधर जाएगा, इतनी छोटी सी ये दुनिया है किधर जाएगा, तू अगर घर नहीं लौटेगा तो मर जाएगा। आ के गजलों से कोई टूटा हुआ दिल जोड़े, वरना बेकार ये लफ्जों का हुनर जाएगा। मैं गजल के लिए आवाज दे रहा हूँ मोहतरम आली जनाब आगाज बुल्ढानवी साहब को, जोरदार तालियों से बात करें। आज मुसलसल चार घंटे से आप सुन रहे हैं और बेदार से सुन रहे हैं, और अभी सच को तो ये मेरा मकाम नहीं है, शाह सर, आकिब सर, नईम भाई, आप सबने पढ़ने के बाद एक शेर मुझे याद आता, नईम भाई की, सेराब कर दिया है तेरी गजल ने सबको, जिसने तुझे सुना हो वो और क्या सुनेगा। सेराब कर दिया है तेरी गजल ने सबको, जिसने तुझे सुना हो और क्या सुनेगा। लेकिन दोस्तों मैं इस जगह पर इसलिए आता हूँ, बहुत हमेशा गजलें तो मैं सुनाऊंगा ही, और आसिफ भाई आज डायरी लेकर आए हो पहली बार, आप मेरे इरादों का अंदाजा लगा सकते हैं। जी दोस्तों, अभी हारून सर ने, हारून भाई ने हम कहा कि जब डॉक्टर साहब फेरिस कंट्रोल नहीं कर पाए, हारून भाई ऐसी परेशानी होती है, आसिफ भाई को फोन आता है तो आसिफ भाई कहते हैं कि वो लिख तो डॉक्टर साहब जाने, मुझे कुछ मालूम नहीं, और जब मुझे फोन आता है तो मैं कहता हूँ कि आसिफ भाई जाने, और दोनों की इसमें और फेज बढ़ती जाती है, शायद ऐसा मामला होता है। और आप जैसे कहा कि नहीं, मैंने कहा कि ये दोनों शेर नाम का सदा काट है, बस ऐसा मामला है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों बस कुछ बस मुक्त से कुछ बातें करना चाहूंगा मैं आपसे। अब यहाँ पर मेरे लिए फख्र की बात है कि शाह साहब है, अर्शद साहब है, आकिब सर है, नईम भाई है, फारूक साहब है, और मेरे भाई मोहसिन साहब है, आप सबके सामने गजल पेश करना, शायरी पेश करना मेरे लिए बड़े इलाज की बात है। तो कुछ मुस्तरी का शार पेश करना चाहता हूँ। जी अता देखिए, एक मतलब एक शेर, ये करोना ने हमको ये शेर कहने के लिए मजबूर किया है मुझे, कि गीत गाते रहो गुनगुनाते रहो, गीत गाते रहो गुनगुनाते रहो, मुश्किलें हैं मगर मुस्कुराते रहो, और ये नए दौर की कैसी तहजीब है, हाथ धोते रहो मुंह छुपाते रहो। नहीं भाई सर, अकील साहब देखिए, सच बोल के मैंने कोई शोहरत नहीं पाई, सच बोल के मैंने कोई शोहरत नहीं पाई, एक झूठ मगर दुनिया में मशहूर है मेरा, सच बोल के मैंने कोई शोहरत नहीं पाई, एक झूठ मगर दुनिया में मशहूर है मेरा। और ये शेर देखिए, तना शेर है कि ये किसने कह दिया हर मोड़ पर रहबर जरूरी है, ये किसने कह दिया हर मोड़ पर रहबर जरूरी है, संभलने के लिए इंसान को एक ठोकर जरूरी है। ये किसने कह दिया
किसने किसने कह दिया हर मोड़ पर रहबर जरूरी है, संभालने के लिए इंसान को एक ठोकर जरूरी है। और इसे देखिए, ये शेर नहीं भाई आपकी नजर कर रहा हूँ, शेर भाई की, मुस्कुरा के मिलता हूँ एहतराम कर मेरा, मुस्कुरा के मिलता हूँ एहतराम कर मेरा, कौन अब यहाँ किसको मुस्कुरा के मिलता है। और ये शेर मेरे भाई आसिफ, भाई आसिफ भाई आप जब गए थे तो मेरी हालत बिल्कुल डिस्चार्ज मोबाइल जैसी हो गई थी, आपके आने के बाद तो चार्ज बॉय बॉडी में। तो ये शेर मेरे भाई की नजर कर रहा हूँ मैं कि दौरे हाजिर में जीने के अरमान कहाँ से लाते हो, दौरे हाजिर में जीने के अरमान कहाँ से लाते हो, मुश्किल में भी चेहरे पर मुस्कान कहाँ से लाते हो, मुस्कान कहाँ से लाते हो, और प्यार मोहब्बत वफा खुलूस से लबरेज तुम्हारा घर कैसे, प्यार मोहब्बत वफा खुलूस से लबरेज तुम्हारा घर कैसे, महंगाई में इतने कीमती सामान कहाँ से लाते हो। एक मतलब ऐसे ये देखिए अकीब सर की, इस दुनिया के ख्वाबों की हम यूं रखवाली करते हैं, इस दुनिया के ख्वाबों की हम यूं रखवाली करते हैं, एक गजल की खातिर सारी रात काली करते हैं। हम यूं रखवाली करते हैं, एक गजल की खातिर सारी रात काली करते हैं। और शेर नहीं भाई आप ही नजर कर रहा हूं फिर से कि जब जिस दिन उड़ती है खबरें वो आने वाले हैं बस्ती में, जिस दिन उड़ती है खबरें वो आने वाले हैं बस्ती में, अपने दिल के सारे कमरे हम भी खाली करते हैं। और ये सारे कमरे सिर्फ डॉक्टर साहब ही लिख सकते हैं। ये देखिए कि इस दुनिया के ख्वाबों की हम यूं रखवाली करते हैं, एक गजल की खातिर सारी रात काली करते हैं, और जिस दिन सरहद से सही सलामत घर आते हैं माँ के लाल, जिस दिन सरहद से सही सलामत घर आते हैं माँ के लाल, ईद मनाते हैं सफेद रात दिवाली करते हैं। एक मतलब ये देखिए मनोहर भाई, ये मेरे हालात पर शेर कह रहा हूँ मैं कि हर वक्त गजल कहोगे तो कोई बात नहीं आएगा, हर वक्त गजल कहोगे तो कोई बात नहीं आएगा, हम कहते थे ना ये तुझको रात नहीं आएगा, हर वक्त गजल कहोगे तो कोई बात नहीं आएगा, हम कहते थे ना ये फन तुझको रात नहीं आएगा। और शेर देखिए कि इश्क किया है तू देखेगा अशकों की बरसातें पहले, इश्क किया है तू देखेगा अशकों की बरसातें पहले, इतने जल्दी जीवन में तेरे मधुमास नहीं आएगा, इश्क किया है तू देखेगा अशकों की बरसातें पहले, इतने जल्दी जीवन में तेरे मधुमास नहीं आएगा। और शेर देखिए, अरे भाई मेरे ही साथ निभाना होगा एक गजल तुझको उम्र भर, मेरे ही साथ निभाना होगा एक गजल तुझको उम्र भर, तू पारो नहीं तेरे लिए कोई देवदास नहीं आएगा, मेरे ही साथ निभाना होगा एक गजल तुझको उम्र भर, तू पारो नहीं तेरे लिए देवदास नहीं आएगा। बहुत अच्छे सर, जी जी जी, एक मतलब ये देखिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज में कमी निकालते हैं, ये गदर उन लोगों के नाम कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे कोई कमी नहीं है यही कमी है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है यही कमी है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है यही कमी है, हंसी अभी तक थमी नहीं है यही कमी है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है यही कमी है, हंसी अभी तक
कमी नहीं है, इतनी कमी है। सिर्फ देखिए कि उदासियों ने सजा लिया है हर एक कमरा, उदासियों ने सजा लिया है हर एक कमरा, बस आंख में एक नमी नहीं है, यही कमी है। उदासियों ने सजा लिया है हर एक कमरा, बस आंख में एक नमी नहीं है, यही कमी है। बहुत शुक्रिया सर। और सिर्फ देखिए कि अब उसकी गुर्बत भी मेरे दिल को नहीं लुभाती, अब उसकी गुर्बत भी मेरे दिल को नहीं लुभाती, उसमें कोई कमी नहीं है, यही कमी है। अब उसकी गुर्बत भी मेरे दिल को नहीं लुभाती, उसमें कोई कमी नहीं है, यही कमी है। और मक्ते का शेर देखिए कि गजल तुम्हारी है फिक्रोपन की मिसाल आगाज, गजल तुम्हारी है फिक्रोपन की मिसाल आगाज, ये नहीं जब चपनमी नहीं है, यही कमी है। तेरे गम का तेरी तन्हाई का हिस्सा हो जाओ, तेरे गम का तेरी तन्हाई का हिस्सा हो जाओ, लोग मरते हैं मैं उस जहर से अच्छा हो जाऊं। तेरे गम का तेरी तन्हाई का हिस्सा हो जाओ, बहुत लोग मरते हैं मैं उस जहर से अच्छा हो जाऊं। और अपने चेहरे को छुपाए हुए फिरता हूं अब, अपने चेहरे को छुपाए हुए फिरता हूं अब, मैंने सोचा था कि इस दौर का चेहरा हो जाऊं। अपने चेहरे को छुपाए हुए फिरता हूं अब, मैंने सोचा था कि दौर का चेहरा हो जाओ। और शेर देखिए आगे सर, शांता देखिए कि मैंने पहचान गवा दी इसी कोशिश में मेरी, मैंने पहचान गवा दी इसी कोशिश में मेरी, मेरी कोशिश थी कि मैं तेरा शनाता हो जाऊं, हाय हाय हाय, मेरी कोशिश थी कि मैं तेरा शनाता हो जाऊं। किसी भी मुश्किल जमीन से मैं हंसा, जी जी जी, एक मता ये देखिए कि नहीं भाई सर, देखिए कि आप सब हजरत की नत की सिर्फ खुश होने के इम्कान से खुश होते हैं, सिर्फ खुश होने के इम्कान से खुश होते हैं, हम तुझे मिलने के आह्वान से खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, सिर्फ खुश होने के इम्कान से खुश होते हैं। अरे आगा साहब बहुत अच्छे, खुश होने के इम्कान से खुश होते हैं, हम तुझे मिलने के अरमान से खुश होते हैं। देखिए सर कि ये जहाँ तेरी परेशानी से होता है खुश, ये जहाँ तेरी परेशानी से होता है खुश, सिर्फ हम ही तेरी मुस्कान से खुश होते हैं। ये जहाँ तेरी परेशानी से होता है खुश, सिर्फ हम ही तेरी मुस्कान से खुश होते हैं। और ये मेरा काफी तजुर्बा है दोस्तों, हरुण सर आप सब लोगों की दुआएं हैं, आपने मुझे मेडिकल फील्ड में इतना मसरूफ कर दिया है। आसिफ भाई, आशीष चाचा, आप खुद कभी मुलाकात के लिए आते हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है, मैं ऑपरेशन थिएटर में रहता हूं। अब एक 8 दिन पहले की बात है, आशीष भाई को एंडोस्कोपी एडवाइस की मैंने, तो सवेरे 8 बजे बुलाया और रात को 4 बजे एडमिट हो गए। मैं 8 बजे ओटी में घुसा सर 1 बजे तक, तब तक खाली पेट शक बैठे हुए, चाय नहीं पानी नहीं, दूरबीन डालनी है पेट में, खाली पेट रहना पड़ता। तो अर्षद भाई हमारे ड्राइवर से बात कर रहे हैं, हमारे मामा जी से बात कर रहे हैं, शेर बनता है कोई शिकायत है उनको, शेर बनता है कि तू कभी मिलता नहीं इसका नहीं करते गिला, तू कभी मिलता नहीं इसका नहीं करते गिला, तेरे आशिक तेरे दरबार से खुश होते हैं। और ये शेर मेरे भाई की नजर, आसिफ की नजर की अब हमें तेरे तवज्जो की जरूरत ही नहीं, अब हमें तेरे तवज्जो की जरूरत ही नहीं, ध्यान आए तो तेरे ध्यान से खुश होते हैं। और नहीं भाई मोहित साहब शेर देखिए कि कौन सी मिट्टी से बनते हैं ये आशिक अरब, देखिए कौन सी मिट्टी से बनते हैं ये आशिक अरब, जख्म सहते हैं बयाबान से खुश होते हैं, जख्म खाते हैं बयाबान से खुश होते हैं। आजकल ये भी तरीका है खुशी पाने का, आजकल ये भी तरीका है खुशी पाने का,
सब परेशान परेशान से खुश होते हैं। आखिरी शेर नहीं भाई, ये शेर आप सबकी नजर की, अब यही बात परेशान करे है मुझको, अब यही बात परेशान करे है मुझको, लोग मुझ जैसे परेशान से खुश होते हैं। एक मसला ये पढ़ना चाहता हूँ मैं, इस मसले ने मेरे भाई नईम फराज को मुझे फोन करने पर मजबूर किया। वो मसला सुनिए, देखिए नईम भाई हो गए, अबरार भाई हो गए, इनको दिलों के तार को छेड़ना बहुत कठिन काम है सर। मतलब देखिए कि इश्क में ऐसा मेरा हाल बना देता है, इश्क में ऐसा मेरा हाल बना देता है, वो मेरे कॉल को मिस कॉल बना देता है। शक की तलवार उठाता हूं मैं जब भी उस पर, शक की तलवार उठाता हूं मैं जब भी उस पर, मेरे विश्वास को ढाल बना देता है। शक की तलवार उठाता हूं मैं जब भी उस पर, मेरे विश्वास को ढाल बना देता है। और अरशद भाई ये मतलब देखिए, नहीं भाई देखिए कि जमाना अब मुझे संजीदगी में ले रहा है, जमाना अब मुझे संजीदगी में ले रहा है, मगर एक शख्स अपनी जिंदगी में ले रहा है। और जमाने को परखने का बहुत दावा था उसको, जमाने को परखने का बहुत दावा था उसको, मजा दुश्मनी का दोस्ती में ले रहा है। जमाने को परखने का बहुत दावा था उसको, बताओ दुश्मनी का दोस्ती में ले रहा है। और इसे देखिए कि मेरे चेहरे पे आई है चमक महताब जैसी, मेरे चेहरे पे आई है चमक महताब जैसी, मेरी तस्वीर हमदम चांदनी में ले रहा है, मेरी तस्वीर हमदम चांदनी में ले रहा है। और एक मतलब ये देखिए कि इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, इस जमी को आसमानी कर रहा हूँ, इश्क की मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, इस जमी को आसमानी कर रहा हूँ, और चाहते मुझको विरासत में मिली है। दोस्तों मेरे वालिद मोहतरम टीचर थे सर, कीर्तनकार थे, कवि थे मराठी के, शेर बनता है कि चाहते मुझको विरासत में मिली है, काम मैं ये खानदानी कर रहा हूँ। काम मैं ये खानदानी कर रहा हूँ। और शेर देखिए कि खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, मैं गजल की बागवानी कर रहा हूँ। खार भी अब फूल जैसे लग रहे हैं, मैं गजल की बागवानी कर रहा हूँ। और एक मसला ये देखिए कि ताकत से अपनी ज्यादा का सामान मत उठा, मशवरा दे रहा हूँ बदल में, ताकत से अपनी ज्यादा का सामान मत उठा, समझाया था अमीर का एहसान मत उठा, ताकत से अपनी ज्यादा का सामान मत उठा, समझाया था अमीर का एहसान मत उठा, और इमा के बदले ऐश का सामान मत खरीद, इमा के बदले ऐश का सामान मत खरीद, लालच में अपनी रूह का नुकसान मत उठा, इंसान को परखना है तो दिल में झांक ले, इंसान को परखना है तो दिल में झांक ले, तो आंखों के तराजू में इंसान मत उठा, तो आंखों के तराजू में इंसान मत उठा। और दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, मुझे कहीं बतौर सदर बुलाया जाता है मेहमान कहीं, और मैं पहुंच नहीं पाता, ऑपरेशन में अटक जाता हूं, और फिर किसी दूसरे शख्स को, आसिफ भाई को, मेरे किसी मामा जी को, पंकज को मेहमान बनाया जाता है, फिर शेर बनता है कि तूने जिन्हें बुलाया वो आए नहीं तो फिर उनकी जगह जो बैठे है वो मेहमान मत उठा, तूने जगह जो तूने जिन्हें बुलाया वो आए नहीं तो फिर उनकी जगह जो बैठे वो मेहमान मत उठा। बहुत शुक्रिया सर।
एक मतलब दोस्त है, आज मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ, आपकी धन्यवाद तमाम नहीं करना जल्दी। एक बताइए देखिए सर कि महकना फूल जैसा खार के साय में रहना, महकना फूल जैसा खार के साय में रहना, यहाँ इलाज है तलवार के साय में रहना। महकना फूल जैसा खार के साय में रहना, यहाँ इलाज है तलवार के साय में रहना। उदासी के सभी जाले हटा देगा वो दिल से, जरा सी देर तुम दिलदार के साय में रहना, जरा सी देर तुम दिलदार के साय में रहना। और सर आप सब सबकी नजर कर रहा हूँ शेर में कि ये हम मरहम सिफत लोगों की किस्मत में लिखा है, ये हम मरहम सिफत लोगों की किस्मत में लिखा है, कभी खंजर कभी तलवार के साय में रहना, कभी खंजर कभी तलवार के साय में रहना। जी 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 बहुत अच्छे सर जी। और एक तीन मतले हुए बस एक बदल के, मतलब ये हुआ कि नजाकत है मोहब्बत है सदाकत है जहानत है, नजाकत है मोहब्बत है सदाकत है जहानत है, एक औरत की बदौलत सारी दुनिया खूबसूरत है। नजाकत है मोहब्बत है सदाकत है जहानत है, एक औरत की बदौलत सारी दुनिया खूबसूरत है। और हमारी बेटियां है ये चमन की रंगो निकलत है, हमारी बेटियां है ये चमन की रंगो निकलत है, इन्हें आंखों में भर लो ना तुम यही सच्ची सआदत है, इन्हें आंखों में भर लो तुम यही सच्ची सआदत है। और इसे देखिए कि वो कुरान हो कि गीता हो सभी में तेरी अजमत है, वो कुरान हो कि गीता हो सभी में तेरी अजमत है, तेरे कदमों के नीचे माँ हम इंसानों की जन्नत है, तेरे कदमों के नीचे माँ हम इंसानों की जन्नत है। शेर देखिए सर कि किसी के पोछना आंसू कहीं मरहम लगा देना, किसी के पोछना आंसू कहीं मरहम लगा देना, यही पूजा है ईश्वर की यही रब की इबादत है। और दोस्तों मैं एक मराठी में खुदनश लिखा हूँ, आत्मकथा लिखा हूँ मेरी, लेकिन उर्दू में, और मेरा पेशा ऐसा है सर कि सर्जरी बहुत समय मांगती है मुझसे, बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है, इसीलिए मैं इस गजल की तरफ रागी हुआ हूँ। तो यूँ समझ लीजिए कि ये आखिरी गजल पढ़ रहा हूँ मैं अभी, इसके जो अशआर है मेरी जीवनी समझ सकते हैं आप इसे, मेरे लाइफ की फिलोसफी, मतलब ये हुआ कि जिंदगी में ऐसे भी तजुर्बे किए मैंने, जिंदगी में ऐसे भी तजुर्बे किए मैंने, दुश्मनों से यारी के सिलसिले किए मैंने, जिंदगी में ऐसे भी तजुर्बे किए मैंने, दुश्मनों से यारी के सिलसिले किए मैंने, और संग जो लगे आकर उनको फूल में ढाला, संग जो लगे आकर उनको फूल में ढाला, आंसू की बूंदों के कह कह किए मैंने, संग जो लगे आकर उनको फूल में ढाला, आंसू की बूंदों के कह कह किए मैंने, और मेरे दिल का पंछी बस आस पर रहा जिंदा, मेरे दिल का पंछी बस आस पर रहा जिंदा, बेसमर शजर पर भी घोंसले किए मैंने, बेसमर शजर पर भी घोंसले किए मैंने। शेर देखिए नहीं भाई की, शेर देखिए कि तारीफों की पुल पर भी ये कदम नहीं फिसले, तारीफों की पुल पर भी ये कदम नहीं फिसले, गालियों की बारिश के फलसफे किए मैंने, तारीफों की पुल पर भी ये कदम नहीं फिसले, गालियों की बारिश के फलसफे किए मैंने। और शेर देखिए कि आज तक मुझे तन्हा कर नहीं सका कोई, आज तक मुझे तन्हा कर नहीं सका कोई, हिजरे में भी यादों के काफिले किए मैंने, आज तक मुझे तन्हा कर नहीं सका कोई, हिजरे में भी यादों के काफिले किए मैंने, और चांद और सितारों पर रात भर नजर रखी, चांद और सितारों पर रात भर नजर रखी, इश्क में तेरे कितने रत जगे किए मैंने, इश्क में तेरे कितने रत जगे किए मैंने, ऐसे कितने दावे तो खोखले किए मैंने, इश्क में जुदा होकर जिंदा रहना मुश्किल है, ऐसे कितने दावे को खोखले किए मैंने, पूरे सामाजिक में उस शख्स तक बराबर पहुंचा। और ये देखिए कि इश्क की पिलाता हूँ मैं शराब यारों को, इश्क की पिलाता हूँ मैं शराब यारों को, बंद शहर के कितने मैकदे किए मैंने, इश्क की पिलाता हूँ मैं शराब यारों को, बंद शहर के कितने मैकदे
कैसे किए मैंने और अपना हाल कैसा है जब भी जानना चाहा, उन हसीन आंखों के आईने किए मैंने, अपना हाल कैसा है जब भी जानना चाहा, उन हसीन आंखों के आईने किए मैंने और बस गले में फूलों का हार डालकर आया, बस गले में फूलों का हार डालकर आया, बस अपने दुश्मन के हौसले किए मैंने।